बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ड्रग्स केस में फंसे हैं। उनकी जमानत याचिका पर किल्ला कोर्ट ने फैसला सुना दिया है और शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बेल नहीं मिली है। मुंबई स्थित ओथर रोड जेल में उन्हें रात गुजारनी पड़ेगी। एनएसबी ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान आर्यन खान को जमानत दिए जाने के खिलाफ याचिका डाली थी। आर्यन खान पिछले 7 दिनों से एनएसबी की कस्टडी में थे। अरबाज के लॉयर ने कहा है कि कल सेशन कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई करेंगे। अब सेशन कोर्ट पर यह निर्भर करेगा कि वे आर्यन के केस को सुनती है या नहीं। अगर कल नहीं सुनती है तो आर्यन खान को सोमवार तक इंतजार करना पड़ेगा। आर्यन को पिछले 5 दिनों के लिए कवारनट्टी में रखा जाएगा। उन्हें बाहर का खाना भी नहीं मिलेगा। ओथर रोड जेल में नियम कानूनी काफी सख्त हैं। साथ ही अभी ये क्लियर है कि कितने दिन तक आर्यन को जेल में रहना पड़ सकता है। मामले में अब तक 18 गिरफ्तारी हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एनसीबी ने ये एस्टेब्लिश किया है कि मामले में इंटरनेशनल एंगल है, इस वजह से ये मामला कोर्ट में पेचीजा हो गया है। एनसीबी ने केस काफी स्ट्रॉन्ग बनाया है और अब आगे जब सेशन कोर्ट में सुनवाई होगी तो फिर से सारे प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।